हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं देवव्रत और आज बेटा हम आपको बीएससी सेकंड ईयर केमिस्ट्री का अपना 67वां लेक्चर पढ़ाने जा रहे हैं। आज का बच्चों हमारा टॉपिक होगा प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल। हम फिनोल की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, ठीक है। और फिनोल की प्रॉपर्टीज में हम बी टाइप की रिएक्शन पढ़ रहे थे, मतलब ड्यू टू बेंजीन रिंग में हमने हेलोजिनेशन करा दिया था, नाइट्रेशन करा दिया था, आज है सल्फोनेशन। तो थर्ड रिएक्शन है हमारी सल्फोनेशन। सल्फोनेशन यानी कि सल्फोनीकरण। लिखो बेटा, डाइल्यूट HNO3 तनु नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति में की प्रेजेंस में फिनोल की क्रिया कंसंट्रेट H2SO4 से कराने पर ऑर्थो तथा पैराफिनोल ऑर्थो तथा पैराफिनोल सल्फोनिक एसिड बनते हैं, ठीक है बेटा। ऑर्थो तथा पैराफिनोल सल्फोनिक एसिड बनते हैं। ये देखिए आप, सल्फोनेशन मतलब सल्फोनीकरण का मतलब क्या है बेटा? जैसे नाइट्रेशन का मतलब था इंट्रोडक्शन ऑफ NO2 ग्रुप, सल्फोनेशन का मतलब है इंट्रोडक्शन ऑफ SO3H ग्रुप। यदि ये ग्रुप ऐड हो जाए, इंट्रोड्यूस हो जाए किसी भी कंपाउंड में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो हम कहते हैं उसका सल्फोनेशन कर दिया, ठीक है। अब ये ग्रुप इंट्रोड्यूस करने के बहुत सारे मेथड है। हम कंसंट्रेट H2SO4 द्वारा इस ग्रुप को ऐड कर देते हैं, इंट्रोड्यूस कर देते हैं, या फ्यूमिंग H2SO4 द्वारा कराते हैं, ठीक है। तो फिनोल में तो सभी, नाइट्रेशन हो चाहे सल्फोनेशन हो, सभी क्या होगा, डायरेक्टली हो रही है, आसानी से हो रही है, ठीक है। इसमें फ्यूमिंग की जरूरत नहीं है। तो यहां पर हमने कंसंट्रेट H2SO4 द्वारा हम SO3H ग्रुप को फिनोल रिंग में इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं, इसलिए नाम दे दिया हमने सल्फोनेशन, ठीक है। अच्छा, बनता क्या है? ऑर्थो तथा पैरा का मतलब है ऑर्थो पर SO3H ग्रुप लगेगा और पैरा पोजीशन पर फिनोल की, ठीक है। जरा देखो रिएक्शन, ये है, ये हो गई आपकी रिएक्शन, ठीक है बेटा। ये है देखो रिएक्शन आपकी, नीचे कमरा तो खाली हुआ वो, मैं कह रहा हूं मैंने आज कल ना नीचे खाली हुआ वो, ये है फिनोल, लो टेम्परेचर पर होगी। ये देखो आप, कमरा
हाई टेम्परेचर देखो लो जी, ये लो टेम्परेचर पर ऑर्थो बनाएगा और हाई टेम्परेचर पर पैरा पैरा फिनोल सल्फोनिक एसिड बना रहा है और लो टेम्परेचर पर पैरा फिनोल सल्फोनिक एसिड ऑर्थो फिनोल सल्फोनिक एसिड ठीक है ऑर्थो फिनोल सल्फोनिक एसिड यहाँ पर पैरा पैरा फिनोल सल्फोनिक एसिड ठीक ये रिएक्शन है बेटा। नेक्स्ट देखते हैं बेटा फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। नेक्स्ट रिएक्शन आपकी फोर्थ फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फिनोल देखो जरा फिनोल की क्रिया बेटा टर्शरी ब्यूटिल क्लोराइड से कराने पर टर्शरी ब्यूटिल क्लोराइड से कराने पर पैरा टर्शरी ब्यूटिल फिनोल बनता है। मतलब क्या हुआ बेटा? मतलब ये हुआ जब हम फिनोल की क्रिया करवा रहे हैं टर्शरी ब्यूटिल क्लोराइड से तब क्या हो रहा है पैरा टर्शरी ब्यूटिल फिनोल बन रहा है। मतलब जो टर्शरी ब्यूटिल ग्रुप है हमारा टर्शरी ब्यूटिल ग्रुप जो है वो फिनोल के पैरा पोजीशन पर लगेगा ऑर्थो पर नहीं ठीक है। अच्छा ये जो सीएल है वो जिस पोजीशन पर ये पैरा टर्शरी ब्यूटिल ग्रुप लगेगा उस पोजीशन के एच को लेकर एचसीएल बना के निकल जाएगा सीधी सीधी रिएक्शन हो रही है ठीक है। तो ये बनता है। अब क्योंकि एल्किल हैलाइड से कराना है इसलिए ये रिएक्शन कहला रही है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन ठीक है। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन अब देखो जरा फिनोल यहां वाला एच दिखा दूं आपको हर पोजीशन पे एक एच है इसे छोड़कर तो यहां का एच दिखा देता हूं किसके साथ टर्शरी ब्यूटिल क्लोराइड सीएल सी एच थ्री और ये CH3 ठीक है भाई। अब ये H और ये Cl HCl निकाल देंगे माइनस HCl और यहां पर कौन सा ग्रुप जुड़ जाएगा बेटा कौन सा ग्रुप टर्शरी ब्यूटिल ग्रुप तो OH है ये है और यहां पर C जुड़ गया और C से तीन CH3 देखो ये CH3 ये CH3 ये CH3 इसका नाम है टर्शरी ब्यूटिल फिनोल लेकिन कौन सी पोजीशन पे है पैरा पोजीशन पे तो इसलिए पैरा आ गया पैरा टर्शरी ब्यूटिल फिनोल ठीक है बन गया। नोट कर लीजिए ये रिएक्शन हो गई फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। नेक्स्ट है बेटा कपलिंग रिएक्शन।
ये रिएक्शन बहुत अच्छी है, कपलिंग रिएक्शन, युग्मन अभिक्रिया, कपलिंग रिएक्शन। फिफ्थ है बेटा कपलिंग रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन देखिए आप, फिनोल की क्रिया बेटा, फिनोल की क्रिया बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से कराने पर, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से कराने पर क्या हो रहा है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड मतलब C6H5N2Cl से कराने पर ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन डाइएजोनियम बेंजीन डाई बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन डाइएजोनियम ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड नहीं बेटा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी डाइएजोनियम बेंजीन हाँ ये बनता है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी डाइएजोनियम बेंजीन बनती है। ठीक है, ये फ्यूज कंपाउंड बनता है। देखो जरा ये है फिनोल, क्या था बेटा फिनोल था, ये इधर OH लगा रहे, जब इधर OH लगा रहे इधर का H नुक्कड़ वाला दिखा रहे हैं यहाँ पे H, अब क्रिया होगी बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड यानी कि N2Cl यही तो है बेटा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ये है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ठीक, अब ये हुआ माइनस एससीएल अब क्या होगा बेटा, कुछ नहीं वही होगा जो मंजूर है खुदा होगा। ये ओ एच है इसके बाद ये एन जुड़ गया यहाँ से क्योंकि यहाँ पर बैलेंसिंग कंप्लीट फिल्ड हो गई। देखो क्या लग रहा है आपको, कपल, ये है कपल, कपलिंग रिएक्शन दिख रही है ना, तो ये प्रोडक्ट है, तो ये है कपलिंग प्रोडक्ट या फ्यूज प्रोडक्ट, कपलिंग प्रोडक्ट और ये रिएक्शन कहलाती है बेटा कपलिंग रिएक्शन। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।